नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कृष्णन, प्लास्टिक सर्जन अमनदीप हॉस्पिटल अमृतसर में। और आज मैं आपसे बात करूंगा री इम्प्लांटेशन सर्जरी की। इसका मतलब शरीर के कटे हुए अंगों को वापस जोड़ने वाली सर्जरी। तो ऐसे हमारे पास बहुत मरीज आते हैं जो अपनी कटी हुई उंगली, हाथ या पैर के साथ आते हैं, जिनको हम वापस जोड़ते हैं। तो ये जो वापस जोड़ा जाता है, इसमें ये ऐसा बहुत सिंपल चीज़ नहीं होती, ये काफ़ी एडवांस सर्जरी है जिसमें माइक्रोस्कोप और माइक्रो सर्जरी स्किल्स, यानी कि बहुत छोटी छोटी खून की नाड़ियों को जोड़ने की प्रक्रिया होती है ये। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानना क्या है लोगों के लिए कि जो कटे हुए अंगों को कैसे अस्पताल पहुँचाया जाए। ये ज़रूरी है कि ऐसे अंगों को सीधे बर्फ़ में या सीधे पानी में ना डालें। ऐसा डालने पर उस पार्ट को डैमेज हो सकता है, वो हिस्सा खराब हो सकता है। तो साफ कपड़े में पहले पार्ट को लपेटना है, मतलब जो भी पार्ट कट गई हो उसको एक साफ कपड़े में डाल के लपेटिए, उसको एक प्लास्टिक बैग में डालना है और उस बैग को आइस पैक में डालना है। अगर सर्जिकल गॉज अवेलेबल है तो उसको गीला करके पहले पार्ट को उसमें लपेट सकते हैं और उसको भी पॉलीथीन में डाल के आइस बैग में डाल के ही लेके आना है। तो ये बहुत ज़रूरी जानकारी है। और दूसरी बात ये है कि कौन सा कटा हुआ हिस्सा किस हद तक जुड़ सकता है और वो किस हद तक काम कर सकता है, ये तो तभी पता चलेगा जब मरीज़ अस्पताल पहुंचते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जितनी जल्दी हो सकता है मरीज़ को अस्पताल पहुंचना चाहिए अपने कटे हुए पार्ट के साथ। और जब हाथ कट जाती है या पैर कट जाता है तो खून बहुत बहने लगता है, ऐसे में ये ज़रूरी है कि साफ कपड़े से उस पार्ट में प्रेशर दिया जाए, मतलब कपड़ा उधर रखें और बांधें ताकि ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो। हाथ के ऊपर रबर बैंड बांधना या कोई टाइट सा कपड़ा बांधना अच्छी बात नहीं है, उससे पूरे हाथ का सर्कुलेशन, खून का दौरा पूरे हाथ में कम हो जाता है। तो ये जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूँ। सुनने के लिए धन्यवाद। सेफ रहिए और घर के अंदर ही रहिए। थैंक यू।